नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413085 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होकर के सफल होना है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत के साथ हम आपको सफलता दिलाने के लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे और आपको 100% गारंटी के साथ सफलता दिला पाने में हम पूर्णतया जो है वो सक्षम हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले अब जो याचिका है 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी, वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और हमारे उन याचिकाओं को बहुत जल्दी ही रिलैक्स मिलेगा और इसकी फाइनल सुनवाई, चूँकि याचिका लिस्ट हमारी तैयार हो रही है और जैसे ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट आदि जो है मतलब उसमें सबमिट किए गए हैं और कुछ विद्यार्थियों का भी बाकी हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, उसका फाइनल लिस्ट जो है मतलब वो जमा कर दी जाएगी और हमारे उन बंधुओं को, उन भाई बहनों को रिलैक्स जरूर मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित के लिए और उनकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य करता रहा है और हमारी आगे भी यही जिज्ञासा है, यही इच्छा, यही जो है प्रबलता है कि हम आपके यदि रंच मात्र भी थोड़े से भी काम आ सकें तो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं, सदैव तैयार हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। आज मंत्री महोदया से जो है टेलीफोनिक वार्ता हुई और उनसे इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की और अध्यक्ष आदि की नियुक्ति कब तक होगी। उन्होंने एक माह के भीतर जो है मतलब चयन बोर्ड की बहाली का वचन दिया है कि एक माह के भीतर जो है वो चयन बोर्ड जो है वो बहाल कर दिया जाएगा और उसमें अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्तियाँ हो जाएंगी। बात है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पदों पर विज्ञापन आएगा। चूंकि आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने जानबूझ करके नियुक्ति प्रक्रिया को विलंबित किया, जानबूझ करके विज्ञापन को लटकाया। उसकी एक सिर्फ एकमात्र वजह थी, वजह ये थी कि वो सरकार को जो है मतलब सरकार के आदेश को मानना नहीं चाह रहे थे। 17 जो है बार शासनादेश जारी होने के बाद भी विज्ञापन को लटकाए रखा गया और बार बार अध्याचन आदि की प्रक्रिया को जो है उन्होंने गतिशील रखा, बार बार अध्याचन आदि की प्रक्रिया को ही उन्होंने निरंतर रखा है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जब पहले अपने कार्यकाल में थे तो उन्होंने एक बार नहीं तीन तीन बार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि हमारे पास 27,000 पद रिक्त हैं माध्यमिक विद्यालयों में, इन विद्यालयों में 27,000 की भर्ती होगी। कल श्री योगी आदित्यनाथ जी को हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जो एक ज्ञापन दिया, एक राज्यपाल महोदय को दिया और उनसे तत्काल भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करने की मांग की गई। हम ये चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो आगामी आने वाली भर्ती है उसमें कम से कम आपको 25,000 से 27,000 बीच के पद देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का ब्यौरा न तो शासन ने दिया है और ना ही चयन बोर्ड ने दिया है और हमारा पूरा प्रयत्न है कि इस भर्ती में ये सारे पद सम्मिलित हों और हम आपको वचन देते हैं इस बात का कि इन सारे पदों को इसमें सम्मिलित कराएंगे और आप लोगों के लिए एक सुरक्षित, एक बृहद और एक जो है मतलब सारगर्भित लक्ष्य तैयार करने के लिए, एक क्षेत्र तैयार करने के लिए हम उसमें कार्य करेंगे और ये जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आप लोगों को बहुत सारे पद वो देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के। कल लोक सेवा आयोग में कुछ गणमान्य व्यक्ति पहुंचे थे, प्रतियोगी छात्र वगैरह,
और उनसे जो है मतलब सचिव महोदय से श्री जगदीश सिंह जी से मुलाकात हुई और उन्होंने जो है वहाँ पे एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन आदि के संदर्भ में उनसे बातचीत की। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि हमें शासन से मंजूरी मिल चुकी है और हमारा विज्ञापन बन के तैयार है। पुराने जो पद रिक्त थे उन समस्त पदों को इसमें ऐड कर दिया गया है और हमारे पास लमसम 12,000 से अधिक पदों का अध्याचन जो है मतलब वो पूरे पद है। तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि आपके पास जो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आने वाला है उसमें कम से कम आपको 13-13,500 पद देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को किसी भी तरीके से निराशा ना हो इसके लिए जो मतलब बातचीत की गई और एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संदर्भ में भी उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि शासन ने जो प्रस्ताव बना करके भेजा है उस प्रस्ताव को हम लोगों ने अनुमोदित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष उस प्रस्ताव को रखा है कि हमें इस बात का क्लेरिफिकेशन दिया जाए कौन सी डिग्रियां वो अर्ज की जाएंगी, क्योंकि शासन ने पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आदि को लेकर के गंभीर है और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग को भी अपनी संशोधित नियमावली के संदर्भ में ये स्वतंत्रता प्रदान की है कि वह किस तरीके से और कहाँ पे इसे लागू करना चाहते हैं। हम लोगों का पूरा प्रयत्न है कि ये संशोधन आदि की जो प्रक्रिया है वो एलटी ग्रेड के 2018 से नियुक्त हो, लेकिन 2018 से इस नियमावली को लागू करने में भी बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के यदि इसको लागू किया जाता है तो इसमें संगीत के भी विद्यार्थी आ जाएंगे, इसमें हिंदी के विद्यार्थी भी आ जाएंगे जो संस्कृत की अनिवार्यता से छूट को लेकर के है, साथ ही साथ कला के भी विद्यार्थी आ जाएंगे, सामाजिक विज्ञान के भी विद्यार्थी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें जो है वो गचर मचर हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों का ये पूर्णतया प्रयत्न है कि हमारे उन भाई बहनों को, चूंकि उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं ना तो उनको जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ना उनसे कभी मेरी बात होती है, ना ही उनसे मैंने कुछ लिया है, लेकिन फिर भी उन समस्त भाई बहनों के उद्धार के लिए हम प्रयत्नशील हैं और आगे भी उनको नियुक्ति आदि दिला करके हम जो है पूर्णतया इस बात को लेकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आपकी प्रक्रिया वो 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से जो है मतलब रिक्वेस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मंत्री महोदया के साथ में जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेगा और आपकी समस्याओं को वहाँ पे रखा जाएगा। जो भी सूचना निकल करके आएगी वो आपको तत्काल दी जाएगी। देखिए, छात्र हित के लिए कार्य करना और उसे जो है मतलब यथार्थता पे उतारना, ये सारी चीज़ें दो अहम अहम मुद्दे होते हैं। हमारा पूरा प्रयत्न होता है कि हम आपके लिए हित के लिए आपके कार्य कर सकें और एडेड जूनियर के विद्यार्थी जो परेशान हैं वो 30 अप्रैल तक उनकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन से हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं मतलब जो वचन उनका है वो 30 तारीख के अंदर जो है इस प्रक्रिया को पूरी कंप्लीट करने के लिए है। अब बात कर लेते हैं आपके नई यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के। चूंकि एसआई की भर्ती के लिए मुहिम चलाया गया उसके रिजल्ट आदि को लेकर के और वो रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है ना। और अब जो है नई भर्ती के लिए है, तो नई भर्ती में पहले सुनाई दे रहा था कि 900 पद हैं, लेकिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता करने पर यह मालूम चला कि 1500 पदों पर आपका यूपीएसआई का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, 1500 पदों पर। और यूपी कांस्टेबल के लिए जो है मतलब आपको 26,262 पदों का विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेगा इसी अप्रैल महीने में, ठीक है ना। और उसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है वीडियो आदि की UP SSC से, वो भी आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पेट का जो मतलब एग्जाम है, जो पेट का आवेदन होना है वो मई माह में होना है, उसके बाद ही जो है मतलब वो सारी चीजें की जाएंगी। वैसे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आज ये मांग की जाएगी कि
कि अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित पेट जो परीक्षा है उसे समाप्त करके अन्य माध्यमों से ही जैसे पहले से ही भर्तियां होती रही हैं वैसे ही भर्तियां की जाए, क्योंकि पेट आदि को लेकर के बहुत सारे जो है मतलब कंफ्यूजन आदि होते हैं और विद्यार्थियों को असुविधा भी होती है। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के लिए ये 100 दिन का कार्यकाल इन्होंने दिया है, मतलब आपका मई तक ये जो पुराने मुद्दे हैं जो पुरानी पुरानी भर्तियों के मुद्दे कोर्ट आदि में पेंडिंग है वो मई तक जो है वो सट आउट किए जाएंगे। उसके बाद मई के बाद जून में आप जानते हैं कि एक महीने के लिए न्यायालय बंद हो जाता है, कोई सुनवाई सुनवाई नहीं होती है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है मतलब इनका मामला सट आउट किया जाएगा और आपको मई लास्ट तक सुपर टेट का विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेगा। जून तक आपके आवेदन होंगे और अगस्त या सितंबर में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। जो सूचना प्राप्त हो रही है वो इसी बात को लेकर के है। देखिए राजस्थान आदि में क्या हो रहा है, कितने पदों की वैकेंसी है, हम राजस्थान या अन्य राज्यों की बात नहीं करते, हम केवल और केवल यूपी की बात करते हैं। यूपी के समाचार आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, यूपी के विद्यार्थियों के लिए हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो प्रयत्न था उस प्रयत्न का लाभ लाखों लाख विद्यार्थियों को प्राप्त भी हुआ है और आगामी आने वाले विज्ञापनों में उसका लाभ उन्हें दिखेगा भी। आप लोग मन को निराश ना करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और एक आशा की किरण को उम्मीद में नहीं तूफान में बदलें, ताकि इस बार आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। हम लोगों का प्रयत्न निरंतर लगातार जारी है और बहुत जल्दी ही आप लोगों के सम्मुख विज्ञापन आदि की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। कभी न कभी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियां वो देखने के लिए प्राप्त होती रहती हैं, क्योंकि वो जो खुदबुदाहट है वो जो है मतलब चलती रहती है। शासन स्तर पर हम लोग कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, है ना, ताकि हमारे भाई बहन जो है किसी भी तरीके से निराश ना हो, किसी भी तरीके से उनके ऊपर जो है डिप्रेशन हावी ना होने पाए, है ना। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठिए, चाहे वो सुपर टेट की हो, चाहे यूपी कांस्टेबल की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे एसडीआई की हो, खंड शिक्षा अधिकारी की हो, है ना, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी की हो, जीआईसी हो, आप लोग जिन भी तथ्यों को लेकर के जिन भी कंपटीशन को लेकर के तैयारी कर रहे हैं आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा विकल्प है तैयारी ही जिससे आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। बाकी निराशा छोड़ करके आशा की उम्मीद को एक नया मुकाम दीजिए, एक नई मुहिम दीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।